प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत गोरखपुर जिले के हर गांव में गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए 1 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत उन गांवों में शिविर लगेगा जहां एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं। ऐसे गांव की सूची तैयार की गई है। आशा के माध्यम से लाभार्थियों तक शिविर की सूचना पहुँचाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि कोविड-19 के प्रसार के कारण गोल्डन कार्ड बनवाने के अभियान पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में अब ज्यादा से ज्यादा गोल्डन कार्ड बनवाने हैं जिससे कि लाभार्थियों को लाभ मिल सके। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने बताया कि योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे की देखरेख में यह अभियान चलाना है। कॉमन सर्विस सेंटर के VLE द्वारा 1 नवम्बर को गाँव में कैंप लगाकर कार्ड बनाया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी प्रति कार्ड 30 रुपए का शुल्क देकर गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। इस अभियान की सफलता के लिए जिलाधिकारी स्तर से सेक्टर ऑफिसर भी तैनात किए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इधर हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और कोविड-19 का प्रकोप अधिक था उसकी वजह से कैंप लगाकर गोल्डन कार्ड का बनाना और डिस्ट्रीब्यूशन का काम रुका हुआ था, परंतु शासन की मंशा है और आदेश भी प्राप्त हुए हैं कि अब हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए 1 नवंबर से पहले चरण में उन गांवों को टच करेंगे जहां पर लाभार्थी हैं लेकिन वहां एक जना का भी गोल्डन कार्ड नहीं बना है। गोरखपुर में ऐसे करीब 60 गांव हैं जिनमें कि लाभार्थी हैं और उनका गोल्डन कार्ड हम नहीं बना पाए थे लॉकडाउन और कोविड-19 को देखते हुए। तो 1 नवंबर को हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें हमारे VLE और हमारे जितने आरोग्य मित्र हैं ये सब अपने सिस्टम के साथ गांव में जाएंगे और जितने भी लोग छूटे हुए गांव में जिसमें कोई कार्ड नहीं बना जितने भी लोग मिलेंगे उनका गोल्डन कार्ड जनरेट करेंगे, वो प्रक्रिया में रहेगा। और जो हमारे ऐसे लोग हैं या ऐसे घर हैं जिनमें 5-5, 6-6 सदस्य हैं लेकिन 2 ही का कार्ड बना है, उनके बाकी सदस्यों का कार्ड बनने का अभियान भी अब चालू हो जाएगा। सर, इसमें कुछ नए लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा या पुराने लाभार्थियों के जोड़े जाने की शासन स्तर पर विचार चल रहा है कि ACCC डेटा 2011 के अलावा बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभियान चला था मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके तहत भी कुछ लोगों को जोड़ा गया था। फिर भी बहुत सारे ऐसे पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं जो छूटे हुए हैं, उसके लिए भी विचार चल रहा है कि कोई अन्य डेटा के आधार पर उनको भी जोड़ा जाए और उनका सर्वे करके उनको जोड़ के उनका भी गोल्डन कार्ड बनाया जाए जिससे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के का लाभ और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ हर सदस्य को, जो गरीब है उसके हर सदस्य को मिल सके।